हुण बोलना है परमात्मा दी अकल, हुण वेखना है परमात्मा दी मत, हुण खाना पीना है परमात्मा दी मत, हुण जीवना है परमात्मा दी मत, हुण हसना ते रोना है परमात्मा दी मत, हुण जीवना ते मरना है परमात्मा दी मत। फिर अर्ज करा, शरीर दी पकड़ जितनी ज्यादा होवेगी भोजन दी पकड़ उतनी ज्यादा। शरीर का मोह जितना प्रबल होवेगा रोटी का मोह उतना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा, क्यों? शरीर है ही रोटी। फिर सारी जिंदगी रोटी की तलाश, क्योंकि शरीरक जीवन ही जीवन का लक्ष्य है, इनू ही सिद्धांत मनिया होया, जबकि सिद्धांत नहीं है, नहीं। सारी मेहनत फिर रोटी वास्ते, सारी भज दौड़ फिर रोटी वास्ते। तो बड़े ध्यान नाल सुन लेना, नोटां दे बंडल, करंसी नोटां दे बंडल, रोटियां दे बंडल ने, होर कुछ भी नहीं, कुछ भी। मनुख रोटियां दे बंडल इतने जमा कर लेना चाहता है, कम से कम मेरी सत पीढ़ियां नूं रोटी मिलती, मैनू मिलती रहे, मेरे पुत्रां नूं मिलती रहे, पोत्रियां नूं मिलती रहे, पड़पोत्रियां नूं मिलती रही। सारी चिंता रोटी दी, जीवन का लक्ष्य रोटी, जीविया जा रहा है रोटी वास्ते, और कुछ नहीं। किसी को पुछो की कमा कर रहे हो, की करिए, बस रोटी कमा रहे, रोटी कमा रहे। हर एक दे जीवन का लक्ष्य रोटी है, हर एक दे जीवन का लक्ष्य ये शरीरक जीवन है। तो हर एक दे अंदर बड़ा प्रबल मोह है इस जीवन का, इस शरीर का, इस काया। थोड़ा जहा होर नुकता भी मैं थोड़े सामने रखा, जो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने और गुरबाणी, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए ता लगे दुख, बड़े कष्ट नाल, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी भज दौड़ नाल, बड़े तरद्दद नाल धन मिलता है, पुंज नहीं मिलता। धन दी बारिश नहीं आती, पानी दी बारिश आती है, या मैं इंज कह दिया, रोटियां दी बारिश नहीं आती, पानी दी बारिश। रोटियां दे दरिया नहीं चलते, पानी दे दरिया चलते। रोटियां दा सागर नहीं आउंदा, पानी दा सागर। रोटी ते कमानी पैंदी है। तुहानू कदी कोई मिलिया जिहड़ा इस तरह आखे, पानी कमाण वास्ते मैं एक मुलक तो दूजे मुलक गया, एक शहर तो दूजे शहर गया, रोटी कमाण वास्ते, एक शहर तो दूजे शहर, एक मुलक तो दूजे मुलक। पानी कमाण वास्ते कोई नहीं जाता, पानी की तो बारिश आती है सारी जगह, पानी के तो दरिया भी चलते हैं, पानी का तो सागर भी है। इतनी चिंता पानी की नहीं है, रोटी की, रोटी की। तो हर बशर कहे कहेगा की करिए, रोटी तो कमानी है, कमाण की निंदा नहीं है, कमानी चाहिए। उदम करें दिया जीव तो कमाव दिया सुख भुंज, ध्याव दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। रोटी क्यों कमाना चाहना है? मैं जीवना चाहना। तो जीवना क्यों चाहना है? रोटी खाने वास्ते, और कुछ नहीं, और कुछ। रोटी क्यों कमाना चाहना है? जीवन वास्ते। जीवन क्यों चाहना है? रोटी वास्ते। मनुख की सारी जिंदगी रोटी की परिक्रमा करती रह जाए, ये भी मैं जीवन सारा रोटी की तलाश, रिजक की तलाश, इसे ची बतीत हो जाता है। इस तो पता चलता है ये मनुख शरीर तो उपर नहीं उठे, कुछ होर भी दुनिया है,
इनू ये सिद्धांत कहिंदा पिया नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। धन कमाना सिद्धांत नहीं है, कतई सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धि का अंत नहीं है, इस तो अगे कोई गल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी मैं करता, लेकिन धन की निंदा नहीं है। सारा दिन कबीर खड्डी ते बैठ के कपड़ा बुन दे, रोटी ते कमान दे, सारा दिन नामदेव कपड़िया नू छिंब दे। गुरु नानक ने ते जगत नू दस दिता, मैं किरत नहीं छड़ी, भावें बारह बारह साल की उदासी की है, बुढ़े पिछ आके करतारपुर आप हलवाण लग पाया, खेतीबाड़ी की। ऐ दुनिया के लोगो, मैं किरत नहीं छड़ी। तन वास्ते रिजक चाहिए, रोटी चाहिए। हुण मैं अर्ज करा, रोटी जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये शरीर की लोड़ है। जीवन का लक्ष्य है परम जीवन की प्राप्ति। इस जीवन नो अगर परम जीवन नहीं मिल सकिया, इस जीवन दे च मौत है, दुख है, बुढ़ेपा है, अनेक रोग ने। जो जो दीसे सो सो रोग, शरीर दे च रोग है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, लागर कमजोर हो जाता है, शरीर मरदा है। वो परम जीवन स्वस्थ जीवन है, वो परम जीवन अमर जीवन है, उहदे च मृत्यु नहीं है। वो परम जीवन रोगी नहीं है, स्वस्थ है। लेकिन इसे ही जीवन नो जिसने लक्ष्य मन लिया, तो हुण मैं अर्ज करा, रोग दे च जीवेगा, और रोगी भी जीवना चाहता है, चाहता है। दुखां दे च जीवेगा, पर दुखां दे च भी जीवना चाहता है, यही जीवन चाहता है। दो तीन नुक्ते होर बयान करा, दुखी दुनी सहेड़िए जाए ता लगे दुख, बिना तरद्दत कीतिया भज दौड़ कीतिया दुख उठाया, कष्ट उठाया धन नहीं मिलता। कष्ट करके धन प्राप्त होता है, तो जद जाता है तो कष्ट दे जाता है। जाए ता लगे दुख, धन गुरु नानक देव जी महाराज। बिना कष्ट तो प्राप्त नहीं आता, पहले कष्ट करो, तरद्दत करो, भज दौड़ करो, दुख सहारो, तो धन आता है, पर जब जाता है तो जाद्या जाद्या दुख दे जाता है। जब होता है उदों सुख तो मिलता कोई नहीं, पर जब जाता है तो दुख दे जाता है। इस नुकते नु ध्यान नाल सुन, आंदा है पहले भज दौड़ करनी पैंदी है, बड़ा कष्ट सहारना पैंदा है, बड़ा तरद्दत करना पैंदा है, बड़ी भज दौड़ करनी पैंदी है, तां जाके धन दी प्राप्ति आउंदी है। दुख पहले सहारे ते धन मिले है, पर चला गया जांदा जांदा हुण दुख दे गया, बड़ा दुख दे गया। पर गजब दी गल, जो मुखी अनुभव दी गल, जद कोल है सुख ते देंदा है, आउंदा है दुख करके, जांदा है दुख दे जांदा है, होंदा है सुख ते मिलदा नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति हो जांदी है, सुख ते मिलदा है। मूल धन दी पकड़ रोटियां दी पकड़, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए ता लगे दुख। बड़े दुख ते तरद्दत तो बाद ये पदार्थ प्राप्त होंदे ने, चले जान ते दुख दे जाते, बड़ा भारी जो है कष्ट दे जाते ने। अनुभवी कहिंदे ने
मिल के ही पता चलता है कुछ भी नहीं मिले मिल रहे। इस वास्ते कुछ विचारक तो ये कहते हैं आसा दे जीवना ही ठीक है, क्यों जब मिल जाता है उसकी आस चली जाती है तो सुख तो मिलता है, सुख तो मिलता है। उम्मीद गल पकड़ते चाहिए होगी। कुछ दार्शनिक लोगों ने कहा आसा चंगी है, चंगी है, पूरी हो गई है, हुण सुख तो मिलिया कोई नहीं, तो आसा नाल जिहड़ा इंतजार सी उड़ीक सी सुख मिलेगा सुख मिलेगा, वो सारा निराशा च बदल गया, मिलते गया सुख तो नहीं मिले। मैं एक दो उदाहरण दें, एक दे घर औलाद नहीं, वो प्रभु दे अगों प्रार्थना करता है हे दात्या एक पुत्र मिल जाए मैं सुखी हो जा। मनुख तजर्बियां तो कुछ नहीं सीखता, चार चार पुत्रां वाले रोंदे पए ने तैनू कितों सुख मिले। मिल के ही पता चलता है कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। इस वास्ते शिख सादी साहब तो कोई पुछदा सी कि मैनू ब्याह करा लेना चाहिए, मैं संसारी जीवन बतीत करा, तो शिख सादी कह देंगे सन हाँ अनुभव प्राप्त होवेगा ये कर ले, ये प्राप्त करके ही तेनों पता चलेगा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मिल के ही पता चलता है कुछ नहीं मिलेगा। दूजा नुकता भी मैं बयान करा, धन मिल के ही पता चल रहा है कुछ नहीं मिलेगा, परिवार मिल के ही पता चल रहा है कुछ नहीं मिलेगा। अगर निरंकार की तलाश से चले है, निरंकार नहीं भी मिलेगा तो भी बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, उसकी प्यास मिल जाती है। थोड़े बहुत जिहड़े अभ्यासी ने पकड़ते जरूर आवेगे, धन मिले है परिवार मिल गया, मिल के पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, सारा सुंदर परिवार है सुख ते कोई नहीं, धन संपदा है पदार्थ है सुख ते कोई, पदार्थ का मिल के पता चल रहा है कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिल, पर परमात्मा दे मार्ग ते कोई चले है, अगर परमात्मा नहीं भी मिलिया तां भी बहुत कुछ मिल जाता है, उसकी तड़प मिल जाती है, उसकी प्यास मिल जाती है। बहुतिया ने तो इंज भी कह दिता है प्रभु तू नहीं मिलता तो ना सही, अपनी प्यास रहण दे, अपनी तड़प रहण दे, इहदे च भी आनंद है। अमीर खुसरो तो इस तरह कह रहे हैं या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई, उड़ीने उड़ीने कब घर आवे रे, इस इंतजार देच भी कुछ खेड़ा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा बयान कर रहे हैं, इस देच भी कुछ खुशी है, इस देच भी कुछ महा आनंद है, परिवार ते धन संपदा मिल के भी मन मैले का मैला रहता है, लोभी का लोभी रहता है, वासना ग्रस्त रहता है, हंकारी का हंकारी रहता है। इस दूजे नुक्ते नु भी ध्यान नाल पकड़ना, पदार्थ मिल के भी हिरदा शुद्ध नहीं आता, परमात्मा की तड़प है, परमात्मा नहीं भी मिलिया हिरदा शुद्ध हो जाता है। तुसीं आखोगे परमात्मा तो नहीं मिलिया, हिरदा किवें शुद्ध हो जाता है, उसकी तड़प शुद्ध कर देंदी है, उसकी प्यास हिरदे नूं शुद्ध कर देंदी है, ते जिहदी प्यास हिरदे नूं शुद्ध कर देंदी है फिर उसे ही शुद्ध हिरदे च प्रभु आण विराजदा है। पहले तो उसकी प्यास चाहीदी है, प्यास ही हिरदे नूं शुद्ध कर देंदी है, उसकी भुख ही मन नूं पावन कर देंदी है। बिन बैराग न छूटस माया
ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਭ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੜਪ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜੇਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਭ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਖਿਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਲੋਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਸ ਤਨ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਗ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਹੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਖੀਏ ਉਤਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਫਿਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ
मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जाने। हुण ते मरना कबूल कर रहा, क्यों? इस जीवन की लालसा ही नहीं रही। परम जीवन दे मिलदिया इस जीवन की लालसा नहीं रह जाती। परमात्मा दे मिलदिया पदार्थों की लालसा नहीं रह जाती। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते बूट गुमानी। उस परम धन दे मिलदिया धन की लालसा नहीं रह जाती। धन लोड़ मात्र रह जाता है, परवाह जरूरत मात्र रह जाता है, लालसा नहीं रहती। परिवार की लालसा, पदार्थों की लालसा, धन की लालसा, इस गल का सबूत है अजे परम जीवन नहीं मिले, अजे परम धन नहीं मिले। हर उस मनुख को ऐसा समझ लेना चाहिए। जीवन की लालसा ये सब तो प्रबल है मनुख के अंदर। श्री नामदेव कुछ पुराणक गाथावां दे राहीं सानू समझाण दा यतन पे करदे ने। इस वाक विच गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए, मकान बना रहे है, ठीक है कुल्ली ते चाहीदी है, पर मकान बना रहे है कम से कम 400-500 साल रहना चाहिए। पर हुण इहनू कौन पुछे जिंदगी का मैल 400-500 साल रहेगा? रहेगा महल निसखण रह गए, वासा आया तल गोरा से निमाणिया, बैसन रूहां मल। प्रीत कहिंदे ने महल बनाए सन, महल दे उपर रवांगे चौबारियां च, ये तो थले आ गए महल के कबर दे चले गए, महल के उपर खड़े। महल ने सखण रह गए, वासा आया तल गोरा से निमाणिया, बैसन रोहां मल। उच्चे उच्चे महल बनाए, उच्चे चौबारे च रहना है, पर ये कबर दे चले गए, थले चले गए, महल ते खाली दे खाली रह गए। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। बहुत गहरी नींव खुदाई है, बड़ी सोहनी छत मंडप, बड़ा सोहना जो है महल बनाया हमने।